बड़ी खुशखबरी आ रही है, बहुत बड़ा रिलीफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट से मिला है। सलमान सफदर साहब इमरान खान के वकील यहाँ पर मौजूद है। सलमान सफदर साहब, सबसे पहले बताइएगा क्या रिलीफ, क्या खुशखबरी है पीटीआई के लिए, खान साहब के लिए? देखिए, आज इमरान खान साहब के बिहाफ पर जहीद अब्बास साहब ने और बुशरा इमरान के बिहाफ पर मैंने और उस्मान गिल साहब ने, हमने जो नीचे जुरिस्डिक्शन है ऑफ द नैब कोर्ट इन अल कादिर ट्रायल, जो कि तकरीबन अपने फाइनल राउंड में इस वक्त आ चुका है, उसको हमने आज चैलेंज किया था कि 265 के की दरख्वास्त बरियत की जो डाली वो खारिज कर दी जज साहब ने, बुशरा इमरान की, इस प्रीटेक्स्ट पे खारिज की कि ये प्रीमेच्योर है, अभी आपका फैसला बिल्कुल जो है वो आने वाला है, तो हम इस एडवांस स्टेज पर हम ये फैसला नहीं देंगे। जबकि इमरान खान साहब की उन्होंने दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर और उसके साथ साथ नैब की जो अमेंडमेंट्स रिवाइव हुई हैं उनको कम्प्लीटली डिसरिगार्ड करते हुए, उसको पढ़े बगैर, जिसमें क्लियरली अब अल कादिर का केस नैब की कोर्ट में फॉल नहीं करता, इसको हम अपनी कानूनी ज़ुबान में फंक्टस ऑफिशियो या कोरम नॉन ज्यूडिस बोलते हैं, कि अब इस कोर्ट के पास इख्तियार ही नहीं है कि वो मज़ीद शहादत एविडेंस, सज़ा तो बड़ी दूर की बात, हम सज़ा इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें नीचे से मिलती सज़ा है, मैंने वरना कह देता कि फैसला तो बड़ी दूर की बात। तो जज साहब ने हमें आईओ इस वक्त रिकॉर्ड हो रहा है और मैं लग यही रहा था कि दो तीन दिन के अंदर अल कादिर का फैसला जो है वो सुना दिया जाएगा, मगर आज डिविजनल बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़े तफसीली दलाइल जो हैं वो सुने और सुनने के बाद उन्होंने नीचे ट्रायल जज को फैसला सुनाने से रोक दिया है और अगले बुध तक ये कार्रवाई मुलतवी हो गई है और रिकॉर्ड अल कादिर केस का तलब कर लिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। देखें, ये आखिरी केस अब रह गया था। तोशाखाना टू आपको पता है, इससे पहले बुल्गेरी सेट में ऑलरेडी 6 सितंबर को जो सुप्रीम कोर्ट की अमेंडमेंट्स आई उसके बाद उसे उठा के ट्रांसफ़र कर दिया गया, FIA के हवाले कर दिया गया। इसी तरह ये कहना इस वक्त बिल्कुल सेफ है कि तोशाखाना केस भी और साथ में अल कादिर ट्रस्ट केस भी, इस वक्त उसमें कोई क्रिमिनलिटी नहीं पाई जाती क्योंकि यही नहीं तायुन किया जा सकता कि कोई जुर्म कमिट हुआ भी है या नहीं इन लाइट ऑफ दी अमेंडमेंट्स। तो हम बहुत पुरुमीद हैं, हमें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एज़ एक्सपेक्टेड जो हम चाह रहे थे हमें वो आज रिलीफ भी मिली है कि अल कादिर में कार्रवाई एटलीस्ट रोक दी गई है और अल कादिर में फैसला अब नहीं सुनाया जाएगा। और साथ ही साथ में आज सुबह हमने तोशाखाना टू में भी डायरेक्शन लिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, मिस्टर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने फैसला उसमें जारी किया है और उनमें क्लियर अहकाम दिए कि किसी खातून की बेल जुडिशल पॉलिसी के होते हुए उसको क्यों अल्तवा का शिकार है। सो बुशरा इमरान की ज़मानत पे अभी कुछ ही देर में ऑर्डर वो आ ही जाएगा, मगर कोर्ट में उन्होंने हमें श्योर किया है कि ये आइंदा समाअत जो मंडे के लिए फिक्स्ड है उसमें पॉजिटिवली जज साहब शाहरुख अर्जुमन साहब जो समाप्त करेंगे वो इसमें का अपना फैसला सुनाएंगे। अब सलमान सफदर साहब, ये ज़रा क्लियर कीजिएगा कि कार्रवाई से भी रोक दिया गया है, फैसला सुनाने से भी रोक दिया गया है? देखिए, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, कार्रवाई से नहीं रोका, कार्रवाई मजीद चलती रहेगी। रिकॉर्ड सारा हमें कहा है कि वो तलब करें जितना भी रिकॉर्ड है और फैसला उन्होंने फैसले से उन्होंने रोक दिया है। फैसला ही इनफैक्ट अब आने वाला था क्योंकि कार्रवाई तकरीबन मुकम्मल है, 35 गवाह नैब अपने रिकॉर्ड कर चुकी है, आखिरी गवाह, और इसके बाद तो 342 की स्टेज होती है, मगर ये खुशाइन मूव थी कि हमने उन्हें कहा कि इसी स्टेज पे, देखिए मेरी ज्याती राय में तो जब कोर्ट के पास इख्तियार ही ना हो समाप्त करने का तो गवाह का रिकॉर्ड करना भी मजीद एक इंच भी आगे बढ़ना, जब जुरिस्डिक्शन का सवाल उठता है ना तो फिर कोर्ट को रुक जाना चाहिए, प्रॉपर्टी यही डिमांड करती है। मगर फिलहाल हम इस रिलीफ पर भी हम बहुत मुतमईन हैं कि उनको फाइनल फैसले से रोक दिया गया है। जब तक हाई कोर्ट मेरिट्स पर भी, देखें मैं आपको आखिरी बात ये बताता चलूँगा कि अल कादिर का केस आप सिर्फ 2 गवाहान के बयानात में आपके सामने रख दूँ जिस पर जहीर साहब ने और उस्मान गिल साहब ने बड़ी ज़बरदस्त जरा उन गवाहों पर की है, जो CFO सरकार का अपना गवाह है जी, तो उसी में उन्होंने ये मामला केस सारा खत्म किया। इस्लामाबाद में भी और एंड एवरी वेयर इन पाकिस्तान हमारे लॉ में ख़वातीन के लिए बड़ी स्पेशल कंसेशंस मौजूद हैं,
बड़ी उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की भी जजमेंट्स हैं, मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के बैक टू बैक फैसले आए कि रिगार्डलेस ऑफ द सीरियसनेस और हेनसनेस ऑफ द ऑफेंस, आप खवातीन की बेलों को फेवरेबली देखें। तो यहाँ पर प्री अरेस्ट क्या, यहाँ पर पोस्ट अरेस्ट बेल की सुनवाई नहीं हो रही। तो आज की रिलीफ का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बुशरा इमरान की इंशाल्लाह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनकी रिलीज़ मंडे को तोशाखाना 2 में जैसे ही फैसला सुनाया जाता है, जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो ज़मानत के अलावा और कोई फैसला नहीं हो सकता कि उनको ज़मानत उनका हक है, उनकी रिलीज़ वहाँ से मैच्योर है, वो इंशाल्लाह शी गोज़। यानी मंडे को बुशरा साहिबा रिहा हो सकती हैं, उनकी रिहाई हो मुमकिन है। हर केस में उनकी ज़मानत हो चुकी है, हर कन्विक्शन में उनकी सजा सस्पेंड हो चुकी है। देखें, आपने इद्दत निकाह सुन लिया, इमरान खान साहब के आपने इतने केसेस सुन लिए, सो बुशरा इमरान की और किसी केस में उनको 9 मई के केसेस में उनको डिस्चार्ज मिल चुकी है। सो एक आखिरी केस जो उनकी हद तक रह गया है वो ये तोशाखाना 2 है और अलकादर का फैसला आपके साथ। और इमरान खान की रिहाई कब तक देख रहे हैं? इमरान खान साहब की रिहाई अगला महीना बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, 3-4 अक्टूबर का, ये अक्टूबर का महीना बड़ा क्रूशियल है फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस। व्हाट इज हैपनिंग अक्रॉस द स्ट्रीट इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आपके इल्म में ऑलरेडी है। सो काफ़ी वेदर मेरा ख्याल है अक्टूबर के महीने में क्लियर हो जाएगा कि चीज़ें कैसी जो है वो बैठी। सलमान सफदर साहब, लास्ट टाइम आप मुतादित बार कह चुके हैं कि खान साहब के जो केसेस हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं, तो बुशरा साहिबा का भी ऐसा ही मामला है या फिर उनके केसेस आप पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं देख रहे हैं? देखें, पाकिस्तान का एक हमेशा से एक अलमिया रहा है कि यहाँ पर हमेशा वाइडर नेट्स फेंके जाते हैं, बाप है तो बेटा भी है, पूरी पूरी फैमिलीज को उठाया जाता है। अगर आप इमरान खान साहब को देखें तो इस वक्त मेरा ख्याल है कि बेटे उनके यहाँ हैं नहीं, सो बुशरा इमरान के अलावा और कोई रह नहीं जाता था जिसको वो इस वक्त वीकनेस बना के एक वाइडर नेट फेंक कर फैमिली मेम्बर्स को इम्प्लिकेट किया जाए। तो बुशरा इमरान इज़ ओनली बिहाइंड द बार्स बाय वर्च्यू ऑफ हर रिलेशनशिप बीइंग वाइफ ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, अदरवाइज वो और किसी भी मामले में, आप लोग भी बड़ी गहरी नज़र रखते हैं चीज़ों पे, आपने उनको इमरान खान साहब के मुकदमात रजिस्टर होने से पहले आपने उनको कब एक्टिव देखा, किस दिन देखा, किस सियासी एक्टिविटी में देखा, वो कभी भी इन्वॉल्व नहीं रही। तो एक बिला वजह का, और यही वजह है कि जिस केस में भी मजबूरन फिर क्या केस बनाना पड़ा, इद्दत और निकाह का केस बनाना पड़ा, उसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं थी। अलकादर का केस बनाया जो आज स्टे हो गया है, 9 मई का केस बनाया जिसमें डिस्चार्ज हो गई है। सो जो केस भी बनता है वो धड़ाम करके कलेप्स हो जाता है। सो बुशरा इमरान की हद तक कोई क्रिमिनलिटी, कोई बात, कोई जवाब नहीं बनता, एंड इट इज़ हाई टाइम नाउ, इट इज़ एब्सोल्युटली हाई टाइम नाउ कि शी गोज़ होम। ये 26 सितंबर तक जो स्टे मिला है सर, बाद लोग ये कहते हैं कि आज ये रिलीफ है, जब आप बरियत की दरखास्त जो आपने फाइल किया नोटिस होने तक, तो क्या ये भी दरखास्त करेंगे कि बरियत की दरखास्त पे फैसले तक ये स्टे बरकरार रहे? जज साहब इस पे अब अपना जामे फैसला बरियत के ऊपर देंगे, ये इंशाल्लाह इस पर बुधवार समाप्त। बहुत बहुत शुक्रिया।